अब देख रहेंगे ये सैमसंग कंपनी का वॉशिंग मशीन है, इसमें कंप्लेन है जो टाइमर है उस पैन मोटर नहीं चलता है इस पैन का, तो हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें, चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पावर लगाते हैं और यहाँ फर्स्ट चेक कर लेते हैं ये चलता है क्या, ये चल रहा है जैसे देख रहेंगे टाइमर ही वर्क कर रहा है, वॉश का मोटर चल रहा है, ये ऑफ कर लेते हैं। ये हमारा स्पैन पे है, स्पैन घुमाया नहीं चल रहा है, ना ना बस सूप बना और वायर फिनिश दे वो मदद। तो ये हमने चल रहा था, अभी ये जो है हमारा नहीं चल रहा है, तो क्यों नहीं चल रहा है ये हम देखते हैं। ये मैं पाया था इसका ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोला तो बाहर टूट गया है, ये दरवाज़ा टूटने की वजह से क्या है इसके अंदर जो लॉक आता है सेफ्टी स्विच ये कनेक्टिंग नहीं हो पा रहा है। तो हम इसे खोलेंगे, खोल करके इसे हम चेक करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या टूटा हुआ, इसे रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैसे रिपेयर करेंगे ठीक करेंगे। तो अब देखते रहिए, शुरू करने के लिए मैं यहाँ पर लॉक है ये रहता है, इसे हम खोल लेंगे, यहाँ पर खोल लेते हैं। बाकी सब हमने निकाल लिया है, लूज कर लिया है, क्योंकि ये लेकिन निकालेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो हम इसको भी निकाल लेते हैं, कवर खोलने के लिए कैसे खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्रू रहता है नॉर्मल हम खोल लेते हैं, बाकी यहाँ पे भी नहीं है, लॉक रहता है, लॉक रहता है ये खोलेंगे, जिस तरह से उठाएँगे उठाएँगे इस तरह से और उठा कर किसी ऊपर साइड में धक्का देना है, तो एक दो हाथ में लगाना पड़ेगा। खोल लेते हैं फिर देख रहे हैं। तो ये लॉक है, हमने खोल लिया है, खोल करके पलटी करते हैं, देखिए खोला, खोल करके पलटी किया, सकते रहेंगे जो नहीं चल रहा था इस पेन का, यहाँ पर लॉक है, ये लॉक जो है टूट चुका है, या जैसे तेरे पूरा ये टूट चुका है, जैसे तेरे यहाँ पे स्क्रीन जो इधर रखा हुआ है टूटा हुआ है, गिर के इधर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे टच ऑन ऑफ होगा तभी सिस्टम वर्क करेगा, बट यहाँ से नहीं वर्क कर रहा है, क्यों, ये टूट चुका है। तो इसे में ज्वाइन करेंगे, रिपेयर करेंगे, फिर देखते हैं इसे कैसे करते हैं, क्या चीज़ करता है, कुछ आइडिया लगा करके फिर हम आपको वीडियो बना करके दिखाते हैं। इसे हमने रिपेयर कर लिया है लेकिन हम इसको वीडियो आपको सही तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं, किस तरह से हमने रिपेयर किया था, क्या किया था, वो आगे पार्ट में हम जानेंगे देखेंगे। बट इसे रिपेयर करने के बाद क्या प्रॉब्लम हो गया, इसका जो मोटर है फिर भी मोटर नहीं चल रहा था, मोटर को कैसे हम चेक करेंगे अभी आगे ये चीज़ जानेंगे देखेंगे, इसका वाइंडिंग हम चेक करेंगे और भी कंट्रोल्स वगैरह चेक करेंगे देखेंगे। तो आपको नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोग के लिए। ये मोटर है, इस पेन का मोटर है, इसका हम वाइंडिंग चेक करेंगे, ये मोटर है इसका हम तीनों वाइंडिंग चेक करते हैं और दिखाते हैं आपको कंटिन्यूटी शो करता है या नहीं शो करता है, ये सही है या ख़राब है। तो यहाँ पर हम एक वायर लगा लेते हैं, किसी पर भी तीनों लगा लेंगे, नॉर्मल हम जानते हैं किसी पर भी तीनों लगा लेते हैं और इसका कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। यहाँ पे लगा लिया और दूसरा वायर देख सकते हैं करंट भी शो कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं ब्लू पर्पल कलर, यहाँ पर भी करंट भी शो कर रहा है, यहाँ पर करंट भी शो कर रहा है, ये तीन के तीनों में जो है कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ये आगे सकते रहेंगे, बट ये बजर मोड पर रखा है, बजर नहीं है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ओके अभी हम देखते हैं इसको चालू करके ये चालू होता है या नहीं होता है। इसका कलर हमने है सेम टू सेम चेक करने के लिए निकाल दिया, सेम टू सेम कलर यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो अब देख सकते रहेंगे यहाँ पे हमने जो इसका कनेक्शन कर लिया है ब्लू पर्पल और स्काई ब्लू दोनों को हमने कलर कर लिया, कनेक्शन कर लिया तीनों, इसको कामन रनिंग स्टार्टिंग ये हो गया है।
मोटर अभी हम इसमें पावर देते हैं, देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। यहाँ से हमने पावर लगाया और यहाँ से हम इसको स्टार्ट किया, देख सकते हैं कि ये नहीं चलता है। यहाँ पर जो इसका ड्रेन का पंप तो चल रहा है, क्या मोटर में पावर जा रहा है या नहीं जा रहा है ये हम चेक कर लेते हैं। उसे चेक करने के लिए एक हम यहाँ पर वायर लगाते हैं, पावर शो कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है, पावर जा रहा है और चालीस वोल्टेज आ रहा है, आप देख सकते रहेंगे। यहाँ भी वोल्टेज आ रहा है फिर भी मोटर नहीं चल रहा है। ऐसा बंद कर लेते हैं, अपनी मोटर ही नहीं चल रहा है ये। अभी हम क्या करते हैं, कनेक्शन निकालते हैं। अभी हमने निकाल दिया और हमारे पास दूसरा मोटर है नया, इसका कनेक्शन करके चालू करके फिर देखते हैं। तो इसका जो है कलर कोड हम देख लेते हैं, वायरिंग इसका ब्लू कलर जो है कॉमन है, रेड जो है इसका रनिंग है, येलो स्टार्टिंग है। तो उससे हम कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। ब्लू कॉमन और रेड रनिंग, येलो स्टार्टिंग कर लेते हैं। ओके ये हो गया कनेक्शन मोटर का, अभी हम चालू करके देखते हैं ये चालू होता है या नहीं होता है। यहाँ से हम पावर लगाएं इसको और वो कनेक्शन हो गया है, यहाँ स्विच ऑन करते हैं। अब इसे करेंगे ये चल रहा है, इसका मतलब हमने कनेक्शन किया, ये मोटर चल रहा है बट वो मोटर जो है ख़राब है बट कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो हम निकालेंगे, चेंज करेंगे मोटर को और फिर देखेंगे, मोटर को चेंज करेंगे, मोटर को ख़राब है ये, वाइंडिंग स्टार्ट नहीं ले रहा है ये। कुछ इस तरह से भी फॉल्ट आते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है मोटर चल रहा है नहीं चल रहा है। खोलने के लिए सभी इसका ड्रेन वगैरह इसको हम खोलेंगे, खोल करके बाहर लेंगे फिर उसे हम निकाल के चेंज करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला, इस तरह से जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। तो आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।